हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपली ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। सो गाइस, एक्चुअली आज हमारा मेरिज एनिवर्सरी है, तो जिस वजह से अभी मैं थोड़ी सी फोटोशूट करने वाली हूँ, तो जिस वजह से मैं थोड़ी सी सर्कस ली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ, मतलब थोड़ा बहुत कुछ होने वाली है आज के ब्लॉग में। एक्चुअली गाइस, आज मुझे कुछ इंस्टाग्राम पर फोटो वगैरह पोस्ट करनी थी, एंड वैसे भी मैं बहुत दिनों से फोटो वगैरह कुछ भी पोस्ट नहीं किया, एंड स्पेशली आज हमारा एनिवर्सरी है तो एक दो फोटो तो पोस्ट करना बनता है। तो जिस वजह से हम दोनों रेडी हुई, वैसे तो मैंने मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई एंड हस्बैंड को भी रेडी कर दिया। तो अगर आपने अभी तक फोटो वगैरह नहीं देखी हो तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से जाके यू नो विजिट कर सकते हो। सो गाइस, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए एक छोटी सी सरप्राइज प्लान की है, तो जिस वजह से यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह हो रही है आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस, मैंने बहुत सारे बेलून्स वगैरह लेके आया था मार्केट से, लेकिन बहुत सारे बेलून्स, आई मीन एक पैकेट बेलून लीक मिला, थोड़ी सी दुख हुआ। एनीवे गाइस, आज मैंने सोचा कि आज का जो एनिवर्सरी केक है वो मैं खुद में बनाऊंगी। एक्चुअली मैंने पहले केक नहीं बनाया था, तो आज मैं यू नो ट्राई करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का कोई भी मतलब चीज़ हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने जिस वजह से सोचा कि आज की उना केक में ही बना लेती हूँ। अगर केक मतलब अच्छा हुआ बनाना, वहाँ सक्सेसफुल हुआ, तो मैं नेक्स्ट कभी ना कभी आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। चलो फिर केक बनाने की जो आगे की प्रोसेस है वो शुरू कर देती हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो केक एकदम बन के रेडी हो गई है, तो इसे मैं अच्छी तरीके से डेकोरेट वगैरह कर दूंगी। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा सुंदर हुआ ना, मतलब मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ये केक मैंने बनाई। सच में गाइस, ये केक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा था कि सच में मैंने केक बनाई, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने बनाई, वो भी इतना ज़्यादा सुंदर, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि इतना सुंदर केक मैंने बनाई, मतलब मैं बना पाऊंगी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। तो चलो फिर आगे की जो कुछ भी खाना वगैरह है वो भी बना लेती हूँ। एक्चुअली मैं और भी बहुत कुछ बनाने मतलब वाली हूँ, मेरे हस्बैंड को जो जो चीज़ें पसंद है खाने में, एक दो चीज़ आज मैं बनाने वाली हूँ। एंड मेरी हस्बैंड को गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आज वो भी बनाने वाली हूँ। एंड गाइस, मैं आज मतलब सेकेंड टाइम बना रही हूँ गाजर का हलवा, पता नहीं कैसा होगा। एंड आज मैं कोई भी रेसिपी वगैरह नहीं शेयर किया, आई एम सो सॉरी। अगर आपको गाजर का हलवा का जो मतलब रेसिपी है वो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने बनाई मेरी हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट आप ये कह सकते हो, चिकन बिरयानी। मेरी हस्बैंड को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने वो भी बनाई। सो गाइस, खाना वगैरह मुझे जो कुछ भी बनानी थी मैंने सब कुछ बना दी है, तो चलो फिर देख लेते हैं डेकोरेशन वगैरह कितना तक हुआ है। सो गाइस, डेकोरेशन वगैरह ऑलमोस्ट हो गई है, एंड चलो फिर मैं और भी केक वगैरह जो कुछ भी है वो डेकोरेट कर देती हूँ। तो देखिए, आप लोग देख सकते हो मैंने केक वगैरह यहाँ पर रख दी है, एंड मैं लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ करके रख दूंगी। जब मेरा हस्बैंड आएगा तब मैं उन्हें अच्छी तरीके से उन्हें सरप्राइज करूंगी। सो गाइस, जो कुछ भी काम वगैरह था मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दी है, मतलब डेकोरेशन वगैरह मैंने सब कुछ कर दी है, खाना वगैरह मैंने सब कुछ बना दी है, एंड मैं एकदम थक गई हूँ। तो अब मैं थोड़ी टाइम तक रेस्ट करूंगी एंड हस्बैंड को आने तक वेट करूंगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस, कुछ देर बाद मेरी हस्बैंड आई, एंड मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज किया। लाइक मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मैं उनके लिए सरप्राइज प्लान की है, तो मेरी हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर हमने केक वगैरह काट किया। एंड गाइस, मैं मोबाइल कैसे रख दिया था मुझे पता नहीं है, एकदम वीडियो का जो क्वालिटी है इतना ज़्यादा खराब आया ना, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड मेरी रिंग लाइट जो है वो ख़राब हो गई है, एंड आप लोग वीडियो को ज़्यादा पीआर वगैरह नहीं देते हो, तो जिस वजह से मैं दूसरा रिंग लाइट अभी तक नहीं लिया है, तो वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब आई, तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा यू नो बुरा लगा। देन मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए यू नो सरप्राइज लेकर आया था, वो भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो आप लोग देख सकते हो। तो मेरी हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, एक मतलब विंटर कोट दे दिया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे चाहिए था ये, तो हस्बैंड ने मुझे दिला दिया। फिर हमने जो गाजर का हलवा बनाया था वो भी खाया। सो कुछ इस तरीके से हमने अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट किया। तो यही है इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।